फिर भी चलो असंभव संभव हो जाए, जैसे तैसे वो आ भी जाए, तो उनके पास सेना तो है नहीं, भरत से वो मांगेंगे नहीं सेना। और वो अकेले यहाँ आ भी गए दोनों वनवासी, तो यहाँ तो लंका में तो सारे 52 गज के हैं, 9-9 फिट के हैं राक्षस, तो उनको काट के नाश्ता कर लेंगे, मांसाहार है हमारा तो आहारी। तो दोनों भाई जो है ना वो 2 राक्षसों का नाश्ता बनेंगे एक दिन का। तू वापस जाने की तो कल्पना ही छोड़ दे, मैं तेरा इतना सम्मान कर रहा हूँ तो तुझे इस सार तू बुद्धिमती है ये सब विचार करके और अब आगे जीवन में कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे कि बोलते ही हैं लोग कि अभी पीछे वाले को छोड़ो, अब आप अपने आगे, जीवन बहुत बड़ा होता है, आगे कदम बढ़ाओ। उस समय आत्मा की परीक्षा होती है। सीता को भी लगता था कि मुझे नहीं लगता है कैसे आएंगे, पर उसको ये था कि मैं अंतिम श्वास तक भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगी। एक बार मेरे हृदय में भगवान श्री राम बस गए तो बस गए, अब मैं कट सकती हूँ, मिट सकती हूँ, लेकिन अपने सिद्धांत से हट नहीं सकती हूँ। तो उस परिस्थिति में पता लगता है, अब वो रावण जैसा इतना मतलब क्रूर राक्षस, जिसको देख करके छोटे बच्चे का तो वैसे ही बेचारे के पसीने छूट जाएं, उसके सामने देखने की हिम्मत नहीं किसी की। और वो दुबली पतली सी महिला विदेश में बैठी है और वो उसको इतने जले कटे संबोधनों से संबोधित करती है, और वो भी उसकी पट्ट रानी के सामने, मंदोदरी के सामने और उसके सारे सैनिकों के सामने, बॉडीगार्ड्स के सामने, नीच पापी धूर्त ऐसे ऐसे शब्द बोलती है। तो उसको इतना तिल मिलाता है कि आज तक तो किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने देखने की, और तू मेरे राज्य में बैठ करके मेरे को ऐसे बोल रही है। तो ये इन आत्मा की इन शक्तियों की अभिव्यक्ति कैसे होगी, इससे पता लगेगा कि उस आत्मा ने साधना की है, उससे बल आया है उसकी आत्मा में, उसके पास पातिव्रत्य का बल था, पवित्रता का बल था, उसके पास जो है वो अपने धर्म के प्रति जो उसकी अनन्य श्रद्धा थी उसका बल था। तो ये सारे बल मिलकर के आत्मा को मजबूत बनाते हैं। और दूसरा उदाहरण देखना है तो अपने वर्तमान के जो अपने कृष्ण भट्ट जी थे, पूरा ऋग्वेद सस्वर याद था उनको, माने देश में मुश्किल से ही कोई दक्षिण में ही मिल जाए, तो मैं कहूँ नहीं उत्तर भारत में तो कोई है नहीं जिसको पूरा ऋग्वेद सस्वर याद हो। ऋग्वेद उनको याद था, और भी बहुत सारे इसके जो है ना प्रातिशाख्यादि उपवेद आदि, बहुत अच्छे से विद्वान थे, लेकिन जीवन में अपने यहीं तो रहते थे वानप्रस्थ में, जो इसमें बच्चों को सिखाते थे आचार्य कुलम में वेद पाठ, आप लोग बाद में आए हो, आपने देखा नहीं होगा उनको। और जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, उनकी पत्नी छोड़ के भाग गई उनको, और 7 बच्चों को भी ले गई। वो व्यक्ति फेस नहीं कर पाया इस समस्या को, मतलब परेशानी में आकर के पहले उसको शुगर हुआ, बीपी हुआ, हार्ट प्रॉब्लम हुई, और फिर बोले कि मतलब वो इतना उस एक महिला के कारण, उनको बहुत समझ है भाई, जब वो आपको छोड़ के भाग गई तो आपने जो पढ़ा है वेद में अनासक्ति का, सूक्त के सूक्त आपको याद है, तो आप उनका प्रयोग करो अपने जीवन में, कर नहीं पाई। तो आत्मा का बल अलग होता है, शब्दों का बल अलग होता है, शरीर का बल अलग होता है। तो ये जो दार्शनिक होते हैं, मतलब ये जो बल जो निर्विकल्प शक्ति की बात कर रहे हैं ना, इसको प्राप्त करने के लिए फिर साधना करनी होती है। साधना के बिना ये नहीं मिलेगा, शब्द जितने मर्जी पढ़ लो उससे नहीं मिलेगा ये। तो ये कह रहे हैं वो जो स्थिति है वो ही असली लोक कल्याण करती है। इसलिए ऐसे ऐसे जो ऋषि हैं वो भले ही वो गुफा में बैठे लोक कल्याण नहीं भी कर रहे हैं, तो भी जब वो ये भावना करते हैं लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, तो उनकी उस भावना से और उनके व्यक्तित्व और अस्तित्व से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं इस यूनिवर्स में, जो मिक्सअप होते हैं, उससे बहुत एनर्जी मिलती है लोगों को। असली लोक कल्याण तो सिद्ध की स्थिति मात्र से ही होता है, फिर भी आवश्यकता होने पर सिद्ध निर्लिप्त भाव से सांसारिक क्षेत्र में भी उतरते हैं,
और जब तक ऐसे सिद्ध दार्शनिकों का प्राधान्य न होगा विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। एकेडमी में अध्ययन का कार्यक्रम इस प्रकार था, पहले गणित पढ़ाते थे, फिर रेखा गणित, फिर ज्योतिष आदि का अध्ययन, और फिर ये 23 नंबर पृष्ठ पे पढ़ रही हूँ दूसरा पैरा, फिर द्वंद्वात्मक तर्क, और अंत में साधना की प्रणाली। मतलब साधना लास्ट में करवाते थे, पहले शब्द जानो, नॉलेज शाब्दिक तो होनी चाहिए, उसके बाद फिर उनको उनका साक्षात्कार करने के लिए फिर साधना करो। परम तत्व विशुद्ध विज्ञान स्वरूप शिव तत्व है जो केवल स्व अनुभूति का विषय है। सविकल्प तर्क द्वंद्वात्मक और निषेध प्रधान है। तर्क का कार्य अपने विकल्पों का खंडन करके निषेध रूप से यह सिद्ध करना है कि उसकी गति तत्व तक नहीं, माने तर्क की गति तत्व तक नहीं है, यह तर्क से ही पता चलता है। तर्क का कार्य क्या है? तर्क का कार्य अपने विकल्पों का खंडन करके निषेध रूप से ये सिद्ध करना कि उसकी गति माने तर्क की गति तत्व तक नहीं है। ये तत्व की ओर संकेत मात्र करके निर्विकल्प अनुभव की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। जैसे कोई व्यक्ति ये तर्क दे कि जी जब तक मेरे को तैरना नहीं आएगा पानी में नहीं उतरूंगा, तो तर्क तो ठीक है ना उसका, लेकिन जब तक वो पानी में नहीं उतरेगा तो तैरना आएगा क्या? वो कहेगा पानी में तब उतरूं जब तैरना आए, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, पानी में नहीं उतरूंगा मैं। अब तैरना आए कैसे? पानी में जाए तब तो पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। ये हो सकता है कि पहले कमर तक के पानी में चला जाए, पर कोई कहे कि तर्क से तो ये बात सिद्ध होती है, भाई ठीक है तैरना आए तो पानी में कदम रखना, तैरना नहीं आता है तो पानी में कदम मत रखना, नहीं तो डूब जाओगे। तो तर्क से तो सिद्ध होती हैं चीजें, लेकिन वस्तु स्थिति ये नहीं है, वास्तविकता ये नहीं है। तो केवल तर्क से, तर्क सहायता तो करता है, संशय भी सहायता करता है, लेकिन गीता ने कहा संशय आत्मा विनश्यति। तो अब प्रश्न ये है कि संशय करें कि ना करें? तो करें, संशय तो करें, तभी तो सत्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो 16 तत्व हैं न्याय दर्शन के अनुसार, उस 16 में एक संशय को भी लिया है उन्होंने, प्रमाण प्रमेय संशय। तो संशय जब उठाएंगे तो, पर संशय को अंतिम ना माने, संशय से बाहर निकले, संशय में पड़े ही ना रहें। आगे कह रहे हैं, ये तत्व की ओर संकेत मात्र करके निर्विकल्प अनुभव की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। द्वंद्वात्मक तर्क रूपी दर्शन विज्ञानों का विज्ञान, साइंस ऑफ साइंस है। क्योंकि जहां अन्य विज्ञान समाप्त होते हैं वहां से इसका प्रारंभ होता है। किसका? जो परम विज्ञान जो इन्होंने माना ना उसका। जब इस दर्शन का तर्क रूपी निषेध रूप समाप्त होता है, तब निर्विकल्प अनुभव रूपी विधान रूप प्रारंभ होता है। तर्क का नाश होता है ना, नेगेटिविटी का नाश होता है, वहां विधान का रूप प्रारंभ होता है। यह शिव तत्व की साधना है जो चरम दर्शन का चरम लक्ष्य है। तो प्लेटो का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? उनका विज्ञानवाद। कुछ विद्वानों के मत में यह सिद्धांत प्लेटो का ही है, सुकरात का नहीं है, क्योंकि हम प्लेटो के सोक्रेटिस को जानते हैं, ऐतिहासिक सोक्रेटिस को नहीं जानते। माने प्लेटो ने जिस अपने गुरु का वर्णन किया उसको हम जानते हैं, उसके अतिरिक्त भी कोई इतिहास में हुआ हो उसको नहीं जानते हैं। और अनेक विद्वानों का मत यह है कि ये सोक्रेटिस का ही माने सुकरात का ही है। फिर आगे 24 नंबर पृष्ठ पे पढ़ रही हूं, जो फीडो में इन्होंने अपने ही सिद्धांत को थोड़ा सा संशोधित किया उसको पढ़ रही हूं। यह विज्ञानवाद प्लेटो के फीडो आदि उन संवादों में मिलता है जिसमें सोक्रेटिस की प्रधानता है, सुकरात की प्रधानता है। प्लेटो सोक्रेटिस के मुंह से ऐसी कोई बात नहीं कहला सकते थे जो स्वयं सोक्रेटिस को मान्य ना रही हो, क्योंकि ये संवाद उन लोगों के पढ़ने के लिए थे जो सोक्रेटिस और प्लेटो दोनों को जानते थे। सोक्रेटिस ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, प्लेटो ने ही उनके संवादों में उनके दर्शन को रूप दिया। प्लेटो की उत्कृष्ट साहित्यिक कला के कारण सोक्रेटिस के और उनके विचार घुल मिल गए हैं।
फिर भी यह निसंदेह सत्य है कि अपने मूल रूप में यह विज्ञानवाद सोक्रेटिस का है और इसे अभिव्यक्त करने का श्रेय प्लेटो को है। और प्लेटो को भी यह सिद्धांत मान्य है और उन्होंने इसे विशद और विकसित किया। प्लेटो के पार्मेनाइडीज, ये पुस्तक का नाम है, पार्मेनाइडीज नामक संवाद में, ये अपनी पुस्तक को संवाद कहते हैं, इस विज्ञानवाद का खंडन किया। मैंने उसमें जो जो संशोधन होते गए ना, तो फिर उसका खंडन करके नया लिखते गए। जो लोग विज्ञानवाद को सोक्रेटिस का मानते हैं, उनका मत है कि प्लेटो ने पार्मेनाइडीज में इसका खंडन कर दिया। जो लोग इसे प्लेटो का मानते हैं, उनका मत है कि प्लेटो ने आगे चलकर अपने ही विचार बदल दिए। लेकिन दोनों ही मत ठीक नहीं है। वस्तुतः पार्मेनाइडीज में विज्ञानवाद का खंडन नहीं किया, बल्कि उसका संशोधन किया गया। तो प्लेटो ने अपने फीडो आदि जो पूर्व संवाद थे, उनमें सोक्रेटिस के विज्ञानवाद का वर्णन किया और पार्मेनाइडीज में उन्होंने अपने विचारों के अनुरूप उसका संशोधन कर दिया। सोक्रेटिस के अनुसार इंद्रिय जगत विज्ञान जगत में भाग लेता है। भाग लेता है मतलब वो उससे नितांत अलग नहीं है और उसको प्रतिबिंबित करता है। इंद्रियों का अनुभव है ना, वो सत्य को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए पहले स्वामी जी बोलते थे कि ये जो संसार के जो संबंध हैं, ये ईश्वर को भुलाने के लिए नहीं है, ईश्वर की तरफ बुलाने के लिए हैं। जो यहाँ संबंधों को निभा लेता है, गुरु के साथ, माता पिता के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, तो फिर वो ईश्वर के साथ भी संबंध निभा पाएगा। और जो इन संबंधों को नहीं निभा पाता है, तो फिर डाउट है कि वो ईश्वर के साथ संबंध निभा पाएगा। तो ये बाधक नहीं है, उधर जाने में साधक बनते हैं। उसी बात को कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये इंद्रियों का जो अनुभव है, ये प्लेटो के अनुसार भाग लेने की ध्वनि यह निकल सकती है कि इंद्रिय जगत वस्तुतः विज्ञान जगत का सत्य अंश है। ऐसा मानने पर व्यवहार और परमार्थ का भेद ही नहीं रहता। माने व्यवहार क्या है? अपूर्ण परमार्थ बन जाता है। एक तो व्यवहार काल है, एक परमार्थ है स्वयं परमार्थ देव जी नहीं, परम प्रयोजन है ईश्वर प्राप्ति। तो ये व्यवहार काल क्या बन जाएगा? देखो इनके कितने सुंदर सुंदर शब्द है ना, कि व्यवहार केवल अपूर्ण परमार्थ है। ये भी परमार्थ ही है जो हम अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन ये कैसा परमार्थ है? अपूर्ण है। अपूर्ण से हमें पूर्णता की ओर जाना है, पर ये उससे नितांत कोई अलग चीज नहीं है। तो जब ऐसा कहते हैं, तो ये भी साधना का एक पार्ट ही हो गया ना। नहीं तो लोग कहते हैं कि हमारे साधना के घंटे अलग और काम करने के घंटे अलग, परमार्थ के अलग, व्यवहार के अलग। तो इन्होंने कितना सुंदर दर्शन दिया है ये। और ये गीताकार का भी यही है, गीता तो सारी इसी के ऊपर ही आधारित है कि आप अपने कर्म को ही पूजा बनाओ। तो व्यवहार केवल अपूर्ण परमार्थ बन जाता है, यह प्लेटो को मान्य नहीं है। और प्रतिबिंब मानने पर यह ध्वनि निकल सकती है कि व्यवहार में कोई तत्व नहीं, उसका प्रतिबिंब यदि माने, छाया माने, तो फिर वहां से ये ध्वनि आती है कि ये बिल्कुल असत है। इंद्रिय अनुभव लोक व्यवहार, ये ध्वनि निकलेगी। तो व्यवहार असत बन जाता है, और यह भी प्लेटो को मान्य नहीं है कि ये असत बन जाए। इसलिए प्लेटो इंद्रिय जगत को विज्ञान जगत का अंश या प्रतिबिंब कहने की अपेक्षा उसे विज्ञान जगत की अभिव्यक्ति कहना अधिक अच्छा समझते हैं। व्यवहार काल उस विज्ञान जगत की अभिव्यक्ति है। यह प्लेटो का सोक्रेटिस के मत में प्रथम संशोधन है। वो केवल मात्र छाया मानते थे। कल पढ़ा था ना हमने सुकरात का, सोक्रेटिस का, कि विज्ञान रूप तो काया है और ये इंद्रिय अनुभव उस काया की छाया है, तो असत जैसा सही है वो छाया तो। और ये कहते हैं कि ये उसकी अभिव्यक्ति है। मतलब बात तो वही है, लेकिन दोनों शब्दों का जो अपनी शब्द शक्ति होती है ना, एक शब्द बोलने से जो भाव उत्पन्न होता है वो अलग है। सत्य की अभिव्यक्ति और सत्य की छाया, तो दोनों में अंतर है।
दूसरा, सोक्रेटिस ने विज्ञान रूप शिव तत्व की ओर संकेत किया है। प्लेटो विज्ञानों को इस शिव तत्व के सूत्र में पिरोकर उसको और अधिक स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ये सत्य है कि प्लेटो भी सोक्रेटिस के समान शिव तत्व को अनिर्वचनीय और स्वानुभूतिगम्य मानते हैं और इसके विषय में अधिक नहीं कहते, लेकिन इस शिव तत्व की अनिर्वचनीयता और प्राधान्य का तो उन्होंने स्पष्ट विवेचन कर दिया है। तीसरा है, सोक्रेटिस ने विज्ञानों के बहुत्व का इस शिवत्व में स्पष्टतया विलय नहीं किया। बहुत्व मतलब जो ये अलग अलग आकृतियां दिखती है ना बहुत सारी, इन सब का लय उसमें, ऐसे उन्होंने नहीं बताया कि उसी में लय हो जाता है। उन्होंने इसको प्रतिछाया माना, उसको काया माना। तो कह रहे हैं, इन विज्ञानों के बहुत्व का इस शिव तत्व में स्पष्टतया विलय नहीं किया। प्लेटो ने स्पष्ट रूप से विज्ञानों को भी इस शिव तत्व की अभिव्यक्ति मात्र माना। तो ये तीन महत्वपूर्ण संशोधन प्लेटो ने सुकरात के विज्ञानवाद में किए, ऊपर जो बताई। प्लेटो के विज्ञानों पर हम पांच दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं, ज्ञान की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से और फिर रहस्य की दृष्टि से। तो अब मैं पढ़ रही हूं, इसमें नीचे से पढ़ रही हूं, बीच में से। इंद्रिय जगत में अनित्यता और संदेह का साम्राज्य अवश्य है। जो इंद्रिय जगत है वो एक तो अनित्य है और एक उसमें स्पष्टता नहीं होती है, संदेह बना रहता है। तो संदेह का साम्राज्य अवश्य है, किंतु यह इंद्रिय जगत तक ही सीमित है। विज्ञान नित्य है और विज्ञान असंदिग्ध है। जब उस विज्ञान को हमने प्राप्त कर लिया तो फिर वहां संशय नहीं होता है। जब तक हम इंद्रिय के ही अनुभव में होते हैं, तो कई बार आपने सुना होगा कुछ साधक बोलते हैं, बोल जी मैं ध्यान में बैठा, मेरे को थोड़ा प्रकाश सा दिखाई दिया, तो अब मेरे को ये पता नहीं लग रहा कि वो क्या था। वो ही ईश्वर का साक्षात्कार था, वो ही आत्मा का साक्षात्कार था, या वो कुछ और था। तो ये जब तक संशय बना है, इसका मतलब वो आत्मा का साक्षात्कार नहीं था, क्योंकि सत्य में कभी भी संदेह नहीं होता है। संदेह जब तक बना हुआ है तब तक सत्य से वो दूर है। विज्ञान नित्य और असंदिग्ध है। विज्ञान स्वतः सिद्ध है, विज्ञान को किसी के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि विज्ञान का नित्यत्व और स्वतः सिद्धत्व स्वीकार नहीं किया जाए तो किसी प्रकार का ज्ञान संभव नहीं हो सकता। हमारे ज्ञान में जो सार्वभौमता और जो निश्चयात्मकता है, वह इंद्रिय जगत से न आकर विज्ञान जगत से आती है। जिन विषयों में हमारी निश्चयात्मकता होती है और सार्वभौमता होती है, जैसे मानो साइंस ने सूत्र निकाला, H2O इज इक्वल टू पानी, वाटर, पानी। तो अब ये जो सत्य है, ये पाकिस्तान में भी उतना ही सिद्ध है। हम ये नहीं कह सकते कि वो तो दुष्ट लोगों का देश है, वहां पर ये दार्शनिक सिद्धांत कैसे काम कर सकता है, ये तो दर्शन का सिद्धांत है, साइंस का सिद्धांत है, तो भारत ऋषियों का देश है तो यहाँ यहाँ काम करेगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो चाइना में भी करेगा जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, पाकिस्तान में भी करेगा, यहाँ भी करेगा। तो जो विज्ञान जगत का जो सत्य है वो कैसा होता है, एक तो निश्चयात्मक होता है और दूसरा सार्वभौम होता है। इंद्रिय जगत से न आकर के विज्ञान जगत से आता है वो सत्य। अतः इंद्रिय जगत का विश्लेषण करने वाले विविध भौतिक विज्ञान शास्त्र भी विज्ञान के नित्यत्व और स्वतः सिद्धत्व के कारण ही अपने शास्त्रों में सार्वभौम और निश्चयात्मक नियमों की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इस सत्य की, जिसको आगे चल करके कांट ने विशद किया, इसका वर्णन किया, ये आधुनिक है कांट, तो प्रतिष्ठा करने के कारण प्लेटो को वैज्ञानिक ज्ञान का प्रथम संस्थापक कहा जा सकता है। कांट ने इनको काफी कोट किया है, प्लेटो को, कि विज्ञान की स्थापना वहां से हुई, प्लेटो से। इंद्रिय जगत में हमें केवल अनित्य संवेदन प्राप्त होते हैं जो हमारे ज्ञान के विषय कदापि नहीं बन सकते। विज्ञान ही ज्ञान का विषय बन सकता है। फिडो में कहा गया है
इंद्रियों से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, सत्य की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती है। रिते ज्ञानान न मुक्ति, ये कह दिया इन्होंने। किंतु तो ऐसे लगता है कि ये जो हमारे सांख्य दर्शन आदि हैं और भारतीय दर्शनों का जो आधार है, अब इनके समय तक लगभग इस हमारे दर्शन शास्त्र को 2500 वर्ष हो चुके थे, क्योंकि ये तो 5000 वर्ष पुराने हैं ना हमारे वैदिक दर्शन तो, और ये ईशा से 500 वर्ष पूर्व का है ये, तो लगभग 2500 वर्ष हो गए उससे भूगर्भ से वो जो निकले हैं ना स्वामी जी, जो मूर्ति आदि जो अवशेष मिले हैं उनसे ये अंदाजा लगता है। अपनी ये जो हड़प्पा संस्कृति का भी वहां ही तो पता लगा गुजरात में खुदाई की, जो मोहनजोदड़ो आदि, हाँ तो वहां से उससे पता लगता है। तो इनका भी उसी से पता लगा कि ये इतने वर्ष पुराने, तो ऐसे लगता है कि 2500 वर्ष में दर्शनों का काफी प्रचार प्रसार हो चुका था, क्योंकि ये तो सारा जो है ना ये भारतीय जो वैदिक दर्शन है उसका ही मतलब इन्होंने उसी को ही केंद्र में रख करके अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। विचार की करते हैं कि जब ये कहते हैं कि ये योग की परंपरा, सांख की परंपरा बहुत प्राचीन है, अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है, फिर दूसरे भी कहते हैं कि 5000 वर्षों से ये 5000 वर्षों चला, तो फिर उसमें लोगों के अंदर योग से पहले योग कैसे चलता था ऐसा बहुत बोलते हैं। नहीं, योग विद्या जो है ना स्वामी जी वो तो अनादि है, तो योग के जो आदि प्रणेता हैं वो तो ब्रह्मा हैं, वो तो अत्यंत प्राचीन ऋषि हैं ब्रह्मा। तो फिर ऐसे होता है कि वो विद्या ना बीच में लुप्त हो जाती है, जैसे इनका ही अपन पढ़ रहे हैं ना पाश्चात्य वालों का, तो जैसे थेलीज ने उसको शुरू किया, लेकिन बाद में जो आने वाले थे वो कोई बहुत ज्यादा सशक्त नहीं थे। तो लगभग ये जो हमने पढ़े 15 दार्शनिक ऐसे हैं कि जो ठीक है छोटे से एरिया में वो उन्होंने सुयश प्राप्त किया होगा, लेकिन इन लगभग 15 दार्शनिकों के बाद फिर एक सुकरात ऐसा आया जिसने ज्यादा साधना की और उसका जो है वो उसने आध्यात्मिक उन्नति ज्यादा की, विज्ञान तक पहुंचा वो 5 तत्वों से, भौतिक तत्वों से, परमाणु से भी फिर वो विज्ञान, विज्ञान का मतलब समझ लीजिए आप महतत्व तक पहुंचा वो, अहंकार से भी आगे। अब उसको कोई अभिव्यक्त करने वाला नहीं था, तो उसके बाद फिर उनके शिष्य आए ये प्लेटो। तो ये कितना गैप हो गया ना देखो, तो वो जो दार्शनिक विद्या थी वो तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने इसको लगभग 5000 वर्ष पुराने वाले को प्रामाणिक माने, तो अब ये 2500 वर्ष का गैप आ गया बीच में, और तब इन्होंने प्लेटो ने उसको अभिव्यक्त किया अपने वहां, और उनके लिए तो 2500 भी क्या, उनके लिए तो बिल्कुल नई चीज है, उनके तो व्यवस्थापक ही हैं। तो जैसे योग की विद्या है, अब महर्षि दयानंद के बाद फिर उसको ऐसे जन सामान्य तक तो कोई प्राणायाम तो जानता नहीं था क्या होता है प्राणायाम और क्या होते हैं योग के 8 अंग, यहाँ तक कि लोग पतंजलि क्या है, कोई मनुष्य है या कोई कंपनी का नाम है, ये भी तो लोगों को नहीं पता था, अभी भी नहीं पता। हाँ तो वो मैं कई बार बताती हूँ ना कि वहां आश्रम में वो एक चित्र लगा रखा है भाई साहब ने पतंजलि ऋषि का, तो किसी व्यक्ति ने आके पूछा, बोल भाई ये कौन है, बोल जी पतंजलि ऋषि हैं। अरे ये कोई मनुष्य था क्या, हम तो सोचे कि बिस्किट ही होते हैं, अरे लोग पतंजलि का नाम तक भूल गई। तो अब यदि कोई कहे कि भाई ये योग किसकी विद्या है, पतंजलि का नाम जन सामान्य को नहीं पता लगेगा, ना ना कंपनी की नहीं, वो कहेंगे बाबा रामदेव की विद्या है। तो ये जब हम वहां गए ऑस्ट्रेलिया गए थे 3-4 वर्ष पहले श्रद्धे स्वामी जी महाराज के साथ, तो जैसे वहां एयरपोर्ट पे उतरे तो ये लोग ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ना, ये बाहर से कोई भी चीज लाने की अनुमति नहीं देते, तो मेरे बैग में 1-2 इलायची पड़ी होगी कहीं, मतलब और तो कुछ लेके नहीं गए, हमें पता था तो मशीन में आ जाता है उनके वहां, तो उन्होंने मेरे को रोक दिया। अच्छा उनके अगर आप कुछ लेके गए ना जबरदस्ती, कोई बिस्किट चॉकलेट कुछ भी लेके गए और आपके बैग में निकल आया, तो वहीं पर ही वो आपका
वीजा रद्द कर देंगे और आपके पासपोर्ट के ऊपर वो ब्लैक लिस्ट में आपको डाल देंगे। उसके बाद आप कहीं भी नहीं जा सकते विदेश में, इतना कठोर रूल है उनका, क्योंकि जनसंख्या कम है वहां पे, भूभाग बहुत बड़ा है, भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है, और आबादी दिल्ली जितनी है, दिल्ली जितनी आबादी है वहां पे 3 करोड़ है, उससे लगभग सवा तीन या 3.5 करोड़ तो कंगारू है वहां पे, कंगारू ज्यादा है, मनुष्य कम है। तो उनको लगता है कि कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति अगर खाने की चीज में कोई वायरस लाए और हमारे यहाँ महामारी फैल जाए, बीमारी फैल जाए, तो हमारे तो जो हैं ये लोग भी मर जाएंगे। तो वो बहुत उनका स्ट्रिक्ट नियम है, और कुछ लोगों को तो आने ही नहीं देते हैं वो, अपने यहाँ कदम ही नहीं रखने देते हैं। तो खैर वो चेक वेक करने लगे तो मैं तो उलझ गई वहां पे। फिर स्वामी जी उतर के आए, तो वो जो मेरे वाला बैग चेक कर रहा था, उन्होंने स्वामी जी को देखते ही, ओ यू ब्रीदिंग मास्टर, तो स्वामी जी बोले हाँ, यस यस। उनके साथ स्वामी जी अपने अंग्रेजी में बात करने लगे। स्वामी जी मेरे को बोले, तू अपना बैग उठा के निकल ले यहाँ से, नहीं तो तेरे को वापस पार्सल कर देंगे भारत। तो मैं निकल गई। अब वो बातों में इतना मस्त हो गया कि उसको याद भी नहीं कि वो चेकिंग कर रहा था। तो स्वामी जी को आज अनजान लोग भी किस चीज से पहचानते हैं, ब्रीदिंग मास्टर, प्राणायाम का। अच्छा, कुछ लोग गांव में, ये तो मैं हरियाणा की बात कह रही हूँ, बोले जी हम तो सुबह सुबह उठ के, बहन जी कुछ घुटने का दर्द का वो बताओ इलाज, घुटनों में बहुत दर्द है। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं, आपने क्या क्या दवाई ली अब तक? दवाई तो क्या बताऊं, सुबह सुबह उठ के मैं तो बाबा रामदेव भी करती हूँ। प्राणायाम करती हो कि बाबा रामदेव करती हो? प्राणायाम का योग का पर्याय बन गई। तो जो आपने प्रश्न पूछा ना कि ये भाई इसको दर्शन विद्या को हम 5,000 वर्ष पहले कहें तो ये तो फिर दर्शन विद्या के साथ अन्याय हो जाएगा। तो बीच में वो विद्या जो है ना स्वामी जी, लुप्त हो जाती है, और उसके बाद हमारी नॉलेज में कहाँ से आई, वहां से उठा लेते हैं लोग। तो जो हमारे से आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, 500,000 साल बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो मुख्य रूप से तो यहाँ से उठाएंगी, और यूं कहेंगे उससे पहले भी प्रचलन में तो था, क्योंकि स्वामी जी ने भी अपने योग में अपने संस्थान का नाम भी पतंजलि रखा, तो इसका मतलब पतंजलि कोई ऋषि थे। और फिर जो अवशेष मिलते हैं, ये पांडुलिपि आदि, ये सब जो प्राचीन या भूगर्भ से जो मिलते हैं, उन सब को देख करके वो किस समय का वो कृति है, तो उससे फिर साइंस पता लगाती है। तो ये ना, ये पांच उससे हम विचार कर रहे थे, इनका इनका कहना ये है कि कोई भी जो सत्य है ना, उसकी पांच प्रक्रिया है, मतलब पांच कारण होते हैं, ज्ञान की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से लॉजिकली, और उद्देश्य की दृष्टि से। जैसे कोई वस्तु हमें बनानी है ना, तो सबसे पहले तो हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। मान लो आप संगमरमर से कोई मूर्ति बनानी है, तो आपको ज्ञान तो हो पहले कि इस पत्थर से कुछ मूर्ति जैसी चीज भी बन सकती है, तो ज्ञान की दृष्टि से। फिर स्वरूप की दृष्टि से, आपको बनाना है तो उसका स्वरूप आपके माइंड में होना चाहिए कि आप इस पत्थर को क्या स्वरूप देना चाहते हैं। और तीसरा है उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाना चाहते हैं आप। और चौथा है फिर उसकी सत्ता, इस उद्देश्य से बनाना चाहते हैं और ऐसी इसकी सत्ता रहेगी। और पांचवा है फिर रहस्य की दृष्टि, उसको कोई जान नहीं सकता है। तो इसको हम दो हमने पढ़े, तीसरा बता रहे हैं। स्वरूप की दृष्टि से जो है ना, इसको मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, छोड़ दिया है, थोड़ी सी एक दो पंक्तियां पढ़ लेती हूँ। जगत के विविध विशेषों या व्यक्तियों की सत्ता सामान्यों के कारण है। सामान्य का मतलब है यहाँ पर जिसको हम जाति कहते हैं, न्याय वैशेषिक में सामान्य और विशेष दो आते हैं ना, तो विशेष तो वो आकृतियां और सामान्य वो जाति। तो सामान्य अपनी जाति के विशेषों में अनुगत रहते हैं, जाति व्यक्ति में अनुगत रहती ही है। सामान्य का कार्य सजातीय विशेषों में एक रूपता लाना है। जाति क्या करती है?
समान आकृतियों में एक रूपता लाती है। जैसे ये सारी आकृतियां हैं, हम जो बैठे हैं 8-10 आकृतियां, तो जाति क्या है हम सब की? तो मनुष्यता जो है हम सब में अनुस्यूत है, तो वो विशेष में अनुस्यूत रहती है। ये कह रहे हैं सामान्य का कार्य है सजातीय विशेषों में एक रूपता लाना और उनका विजातीय विशेष से भेद करना।